हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पी नाथ की बुक आती है, आप देख रहे होंगे, ये मेरे पास अभी इसका जो नया एडिशन है वही है। तो इसमें से आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से अपने हैं जो यूपीएससी में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए काम में आने वाले हैं, कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में जो आपको वजीराम रवि की एक ऐसी PDF है जिसमें जो आपको मैं थोड़ा एक सैंपल बता दूंगा जिस हिसाब से, क्योंकि उसमें मेरे को फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के UPSC के सिलेबस के अनुसार बहुत सारे टॉपिक ऐसे लिखे हुए मिले, तो आप भी वो देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं। तो इसमें से सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सबसे पहला कंटेंट है जो ह्यूमन जेनेटिक्स करके, तो इसमें से आपको जो दो तीन चैप्टर है वो तो आपको मेन इंट्रोडक्शन है कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिर जेनेटिक्स एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो वो तो आप पढ़ सकते हैं या फिर वो आप ना पढ़े तो भी चलता है, यदि आपको नॉर्मल नॉलेज है तो उसमें कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो सट्टा चैप्टर है उसमें जो 9.2 का ये इसमें जो कंटेंट है वो आपको मिल जाता है, जो टॉपिक ये मेंडलिज्म है, उसके साथ ही ऊपर जो टूल ऑफ जेनेटिक्स स्टडी है 9.4 है, उसके साथ ही जो द सेल एंड सेल डिवीजन 1.7। तो ये जो उसमें जो UPSC के सिलेबस में जो एंथ्रोपोलॉजी के दिए गए हैं वो मैंने अपने बुक्स में मार्किंग कर रखे हैं, और बाकी जो आप देख सकते हैं जो 7वां 8वां 9वां वगैरह है तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। उसके साथ ही आप 11th हो गया, 12th है और 13 है, 14 है, तो ये सब कुछ जो है वो मैंने इसके सामने लिख रखे। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी हाई करेंगे तो आपको ये आसानी से दिख जाएंगे और उसी अनुसार आप इनकी यदि तैयारी कर सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो एक बार आप पूरी बुक पढ़ लीजिए ताकि आपको नॉर्मल इसके बारे में पूरा जो क्या क्या सिलेबस है और इसमें क्या क्या लिखा गया है वो आपको पता चल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो 16 है और 19 है और 22, ये तीन चैप्टर है, तो ये भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ 23 है वो भी आप देख सकते हैं जो जैन एडिटिंग है, तो इसका भी आपको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के जो आपको काम आने वाला है क्योंकि ये भी इसमें टॉपिक मिल जाता है। इसके साथ आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आप यहाँ पे जो 1.4 का एक आपको टॉपिक मिल जाएगा, उसके साथ यहाँ पे जो RD वैन ब्रंग लो है उसका भी वो 9.3 का है, उसके बाद जो माइग्रेशन है, इनब्रीडिंग है या म्यूटेशन है वगैरह सिलेक्शन, ये सब आपको नॉर्मल आपको 9.3 और उसके साथ 9.5 का रेसेस हो गए, रेस कॉन्सेप्ट है, ये सब आपको उसमें आसानी से जो बहुत सारी डिटेल में है वो ज़्यादा आपको इसमें मिल जाएंगे, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे वुमेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, इसमें आपको जो प्रीनेटल ग्रोथ हो गया या फिर इन्फेंसी या चाइल्डहुड वगैरह, एडोलसेंस या फिर पोल्ट एडोलसेंस या सेंसेंस है, ये सब कुछ टॉपिक है आपके सीधे के सीधे आपके एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का जो UPSC का सिलेबस दिया गया है उसमें जो टॉपिक नंबर 10 है, तो उसके ये सब आपको टॉपिक मिल जाएंगे। उसमें भी अलग अलग भाग है, BD वगैरह वो भी मैंने लिख रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं, और आप खुद यदि एक बार मिलाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। इसके साथ यहाँ पे प्राइमेट बायोलॉजी है, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट 1.5 का टॉपिक है, उसके साथ यहाँ पे ये सब के सब इसमें टॉपिक है जो मेन स्केलेटन इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट लैंड वगैरह, ये सब कुछ 1.5 के है, तो ये आपको इसमें से लगभग पूरे लगभग पढ़ने होंगे। आप इसमें से लगभग जो 9, 10 और 11 है ये तीनों आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन UPSC में नहीं आ रहे हैं, PYQ आप देख लीजिए। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के बारे में बहुत सारे नए नए वीडियो आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम के हैं तो उनके लिए वो ओनली जो ऑप्शनल का एग्जाम है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में देने वाले हैं, तो उस हिसाब से मेरा वीडियो है वो आपको उसी हिसाब से बनाया हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे ह्यूमन इकोलॉजी में आपको चैप्टर जो फर्स्ट है वो इंट्रोडक्शन है, तो वो तो आप पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। उसके साथ ही 2, 3 और 4 और 5 भी आप पढ़ सकते हैं, ये तीनों 9.7 टॉपिक्स हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो 6 है वो अडेप्शन अगेंस्ट डिसेज, ये भी 9.7 से है, बाकी के 3 चैप्टर वो स्किप कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे अप्लाइंग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें आपको 12th जो टॉपिक है आपके, तो उसके जो आपको इसमें जो टॉपिक है उनके आपको पूरी डिटेल में ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो मेरे हिसाब से जो 4th चैप्टर है परसेंटेज डिटरमिनेशन, ये आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो 7th है न्यूट्रिशन या फिर मेल न्यूट्रिशन, ये इसमें तो ज़्यादा इस डिटेल में कुछ नहीं है कि इस वजह से आपका जो भी है वो पूरा हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पे डेमोग्राफी है, ये डेमोग्राफी में आपको जो 11.5 के या फिर 11.33 या फिर 11.1 के आपको इसमें टॉपिक है वो आपको इसमें से जो भी है वो आपके एक बार आप ही अपने जो सिलेबस से मिला लीजिए क्योंकि इसमें मेरे भी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन मैंने जो देखे उस हिसाब से लगभग सही है। उसके साथ आपको ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया जिसमें आपको 3rd टॉपिक हो गया जो डायोपिथिकस या सिओपिथिकस, और ये चैप्टर जो पेपर 2 है उसमें 1.2 है, तो उसमें भी ये काम आएगा। और इसके साथ ही आपको पेपर 1 में वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक है वो आने वाले
हैं। इसके साथ ही फाइव हो गए ऑस्ट्रोपिथेकस या प्रानेथ्रोपस, उसके साथ जो सिक्स हो गए होमो हैबिलिस या सेवन्थ हो गए होमो इरेक्टस, और एट हो गया जो सैम्पियंस है, और नाइन्थ है नेदरलैंड मेल, और टेंथ है जो सैम्पियंस होमो सैम्पियंस के बारे में। तो ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही यहाँ पे आप 13 चैप्टर देख सकते हैं जो हो गया कल्चरल इवोल्यूशन ऑफ मैन, और उसके बाद जो बाकी गए वो अपने ज़्यादा काम के नहीं है। उसके साथ यहाँ पे ग्लोसरी है, तो मैं आपको ग्लोसरी में आपको बता देता हूँ क्या कुछ दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट में जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो अभी अभी जो इसके बारे में स्टडी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो 2001 होगी, जिसमें जो रिसेंट एडवांस होमिनिड एंड ग्रेट एज के बारे में कुछ अलग अलग टॉपिक है वो मिल जाएंगे, और इसके साथ बहुत सारे नए नए टॉपिक है। तो आप ये पीछे के चैप्टर ज़रूर पढ़े, जिससे आपका क्या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा तो उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं जिसकी वजह से, और इसमें बहुत सारे जो टॉपिक नहीं है वो टॉपिक दोस्तों एक पीडीएफ है जो आप वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा ऐड कर दूंगा। हो सकता है कि कॉपीराइट की वजह से वीडियो बाद में डिलीट भी करनी पड़े, लेकिन मैं एक बार अपलोड तो उसके साथ कर दूंगा ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसमें टॉपिक किस प्रकार दिए गए हैं और ये जो बुक्स है ये आपको किस प्रकार काम आने वाली है। यदि आप बिगिनर है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल में जो अवेलेबल है तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, और वहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में अवेलेबल होगा।